नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आगामी चुनाव को लेकर भोपाल में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च दोपहर 4 बजे लाल परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर तलैया तिराहा, भारत टॉकी चौराहा, अल्पना तिराहा, बस स्टैंड, भोपाल टॉकी चौराहा, बाल विहार रोड, जनकपुरी, सिंधी मार्केट, पीर गेट, मोती मस्जिद, रेतघाट चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, बाणगंगा चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, अपेक्स बैंक तिराहा, माता मंदिर चौराहे से होते हुए लिंक रोड नंबर 2, नर्मदा भवन, अर्जुन नगर चौराहा, दुर्गा पेट्रोल पंप, नूतन कॉलेज चौराहा, सुभाष स्कूल तिराहा, मानसरोवर तिराहा, प्रगति चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, डीबी मॉल के सामने से होते हुए बल्लभ भवन, रोटरी, जेल पहाड़ी, कंट्रोल रूम तिराहा होते हुए वापस लाल परेड ग्राउंड पर समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से पुराने एवं नए शहरों में CRPF, SGF, SAF व थाना स्टाफ के द्वारा वाहनों एवं घोड़ों से व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकाला गया है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, जितने भी हमारे वल्नरेबल एरिया हैं और इसके अलावा वल्नरेबल पॉइंट्स कवर करते हुए एरिया डोमिनेशन की अनुमति देते हैं, ताकि जो भी मतदाता है वो किसी प्रकार का न्याय है, किसी भी तरह के वो इंटिमिडेशन में यहाँ आए। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व है वो ये उसको मैसेज क्लियर हो जाएगी, पुलिस बल पूरी तरह तैयार है किसी भी तरह की परिस्थिति में निपटने के लिए, और चुनाव में किसी भी तरह की बढ़ाव उत्पन्न न हो। इसके अलावा जो भी आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनके अपनी पुलिस को अंजाम दिया जाता है। कितने गाड़ी आपका उसमें लगभग 40 गाड़ियाँ शामिल हैं और लगभग सभी कानून का उपयोग होता है। इसके अलावा ये SPO किसी काम को हमारे लिए अपने को खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।